आज हम कक्षा 12वीं में इतिहास के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम विशेषताएं देखेंगे। इसके पहले भी हमने आप लोग को प्रस्तावना बता दिए थे, संविधान कैसे बना ये इसके बारे में हमने आपको बता चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं अब हम आज देखेंगे विशेषताएं की, विशेषताएं क्या क्या हैं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसमें सबसे पहले प्रस्तावना है जिसके अंतर्गत की इसमें महत्वपूर्ण विशेषता यह है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है और संविधान प्रस्तावना का जो उद्देश्य और लक्ष्य को स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ प्रस्तावना के संविधान में अंतरात्मा की झलक भी मिलती है। इसलिए संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना अवसर की समता प्राप्त करने की व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मार्पित करते हैं। ये चीज़ हमने शॉर्ट में आपको पहले ही बता चुके थे कि ये यदि आपको ये प्रस्तावना याद है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विशेषताएं पूरी आपको याद रहेंगी। तो सबसे पहले है लिखित एवं विशाल संविधान। हमारा संविधान जो है विशाल है और लिखित में है और अपने यहाँ का संविधान ही सबसे बड़ा भी है। इसमें कुछ देशों के संविधान में भी लिखे हुए हैं, समय समय पर उन देशों की समस्याएं उठ खड़ी हुई थी। इसी तरह से हमने क्या किया, कुछ विदेशों के उससे लिया, कुछ अपने से लिया और अपने जो अनुभव के आधार पर इन अधिकारों को निश्चित किया गया है। यहाँ पर नागरिकों को मौलिक अधिकार और राज्यों को नीति निर्देशक तत्वों पर भी व्यापक प्रकाश डाला गया है, जिससे कि व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनको नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत उनको नियमों का पालन करना पड़ता है। फिर है संघीय शासन व्यवस्था। जिस तरह इसका हमने पहली क्लास पिछली कक्षा में बताया था आपको कि केंद्रीय और राज्य, यहाँ पर हमने क्या किया है, संघ जो है वह केंद्र के अंतर्गत आता है, जिसमें भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता यह है कि यह संघीय स्वरूप है। यह भारत को राज्यों को राज्यों का संघ कहा गया है और संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। उसी तरह से केंद्रीय संसद, राज्य सूची के अंतर्गत विश्वगुरु विधानसभा, समवर्ती सूची, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता चुके हैं। फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह जो है न्यायपालिका है स्वतंत्र है, क्योंकि यहाँ पर सभी को समान न्याय मिलता है, चाहे वह राजनीतिक व्यक्ति हो या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या फिर निम्न वर्ग का व्यक्ति हो या सामान्य नागरिक भी हो, तो सबको न्याय मिलता है, जिसमें न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका ये सब अपने आप में स्वतंत्र हैं और सर्वोच्च न्यायपालिका को हमारे अधिकारों का रक्षक या संरक्षक के रूप में कार्य करता है। फिर देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में संसदीय शासन पद्धति की स्थापना की गई है, जिसमें कि राष्ट्रपति और राज्य सरकारों में केंद्र में जो राष्ट्रपति करता है, राज्यों में जो राज्यपाल, संवैधानिक मुखिया। राज्यपाल और राष्ट्रपति जो हैं ये सिर्फ नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं और वास्तविक शक्ति कौन सी है, मंत्रिपरिषद वास्तविक शक्ति होती है। ये आप लोग राजनीति में भी पढ़ रहे होंगे कि नाम मात्र की शक्ति कौन सी है, वास्तविक कार्यपालिका कौन सी है, तो ये आपको सारी चीज़ें पता होगी। फिर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो हैं वह 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से रक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे अधिकार हमें प्राप्त हैं। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके अंतर्गत इन सिद्धांतों के द्वारा केंद्रीय और राज्य सरकार जो होती हैं वह इनको निर्देशित किया जाता है और साथ ही साथ जनता के जीवन में जो अधिक से अधिक जो सुखमय बनाने के लिए यह किया गया, जिसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र
और व्यक्तिगत अपना विकास कर सके, इसके लिए विशेष ध्यान दिया गया है। और नीति निर्देशक के सिद्धांतों का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। फिर उसके बाद है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या है? यदि आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आपको मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, उसे वयस्क मताधिकार कहा गया। फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण व्यवस्था यह है, विशेषता यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य यह स्वरूप है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अनेक जाति के अनेक धर्म के लोग रहते हैं और सभी जो है अपने अपने धर्म का पालन के लिए वे स्वतंत्र हैं, जिसमें कि प्रत्येक नागरिक को धर्म के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है और धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। फिर देखेंगे मौलिक कर्तव्य। यदि हमें अधिकार प्राप्त हैं तो हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं देश के प्रति कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिसमें कि 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान संशोधन के अंतर्गत नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं का आदर करें, देश की संप्रभुता एकता अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करें, प्राकृतिक वातावरण को दूषित करने से बचाएं, हिंसा से दूर रहें, भारत की संस्कृति को महत्व को समझें, उसकी रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ये सारे कार्य जो हैं हमारे क्या हैं, हमारे कर्तव्य हैं। जिस तरह से कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये सभी चीज़ें जो हैं इससे क्या होगा, हमारी राष्ट्रीय एकता जो होगी, लोकतंत्र जो होगी, उसकी जड़ें मजबूत होगी और राष्ट्रीय एकता की स्थापना होगी और साथ ही साथ राष्ट्र का विकास होगा। अब इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत का संविधान जो है भारत के संप्रभुता के मूल सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें भारतीय जनता की वास्तविक एकता का प्रतीक है और यह संविधान का स्वरूप जो है विशेषताओं को यह स्पष्ट करता है। भारतीय संविधान एक ऐसा आदर्श प्रलेख है जो कि सिद्धांत और व्यवहारिक श्रेष्ठ का समन्वय करता है और इसका दृष्टिगोचर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे गृह कार्य। भारतीय संविधान किस अवधि में सूत्रबद्ध किया गया था, संविधान सभा की पहली बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद देश के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं थी, देसी रियासतों के एकीकरण की समस्या के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपको हल करने हैं, कॉपी में लिखना है।